Hey guys, welcome back to our channel शर्मा जी का बेटा Imbibe Complex Concepts। हम अपनी नई सीरीज किस्से की शुरुआत कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि हर एक सप्ताह हम आपको किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन से जुड़े किस्से से रूबरू कराएं। और इस सीरीज की शुरुआत करने के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी से बेहतर और कौन होगा। साल था 1935 और महीना दिसंबर, जब अमेरिकी गर्भ निरोधक कार्यकर्ता और सेक्स एजुकेटर मार्गरेट सैंगर ने भारतीय स्वतंत्रता के नायक महात्मा गांधी से मुलाकात की और उनसे बहुत सी दिलचस्प बातें की थी। सैंगर भारत के दौरे पर थीं और इस दौरान उन्होंने गर्भ निरोध और महिलाओं की आज़ादी के विषय पर डॉक्टरों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। गांधी के साथ उनकी दिलचस्प बातचीत प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई गांधी की बायोग्राफी का हिस्सा है। दुनिया भर के 60 अलग अलग संग्रहों से इकट्ठा की गई जानकारियों के आधार पर शांति के सबसे प्रसिद्ध प्रतीक गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के समय से लेकर 1948 में हुई उनकी हत्या तक हुई घटनाओं को नाटकीय ढंग से किताब में बयां किया गया है। इस किताब में महिलाओं के अधिकार, सेक्स और ब्रह्मचर्य के बारे में गांधी के विचारों की झलक मिलती है। गांधी के आश्रम में उनके कुशल सचिव महादेव देसाई, गांधी और दूसरे नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच हुई बैठकों के महत्वपूर्ण नोट्स लिया करते थे। उन्होंने लिखा, सैंगर और गांधी दोनों इस बात पर सहमत थे कि महिलाओं को और आज़ादी मिलनी चाहिए और अपने भाग्य का फैसला उन्हें खुद करना चाहिए, लेकिन दोनों के बीच जल्द ही मतभेद पैदा हो गए। 1916 में न्यूयॉर्क में पहला अमेरिकी परिवार नियोजन केंद्र खोलने वाली सैंगर का मानना था कि गर्भ निरोधक महिलाओं की आज़ादी का सबसे सुरक्षित माध्यम है। गांधी ने इस पर एतराज जताते हुए कहा कि महिलाओं को अपने पतियों को रोकना चाहिए, जबकि पुरुषों को अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति से जन्मी कामुकता पर अंकुश लगाना चाहिए। गांधी ने कहा कि सेक्स केवल वंश वृद्धि के लिए ही होना चाहिए। सैंगर ने पूरे उत्साह से गांधी से कहा, महिलाओं में भी पुरुषों के समान ही भावनाएं और कामुकता होती है और ऐसा भी होता है कि महिलाओं को भी अपने पतियों की तरह शारीरिक संबंध बनाने की तीव्र उत्कंठा होती है। उन्होंने गांधी से पूछा कि आपको ऐसा लगता है कि दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ खुश हैं, क्या वे दो साल में एक ही बार सेक्स करें और वो भी तब जब उन्हें बच्चा चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे में ही गर्भ निरोधक काम आता है और महिलाओं को अवांछित गर्भधारण को रोकने और उनके शरीर पर नियंत्रण हासिल करने में मदद करता है। लेकिन गांधी अपने विचारों पर अडिग रहे। उन्होंने सैंगर से कहा कि वो सभी प्रकार के सेक्स को वासना मानते हैं। उन्होंने सैंगर से अपनी शादी के विषय में कहा कि जिस्मानी सुख को अलविदा कहने के बाद उनका अपनी पत्नी कस्तूरबा से रिश्ता आध्यात्मिक बन गया था। गांधी की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी और उनके 4 बच्चे थे और उन्होंने 38 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। जैन गुरु रायचंद भाई और रशियन लेखक लियो टॉल्स्टॉय, जो अपने बाद के जीवन में ब्रह्मचारी हो गए थे, से प्रभावित होकर गांधी ने ब्रह्मचर्य का पालन करने का फैसला किया। अपनी आत्मकथा में गांधी ने लिखा था कि जब उनके पिता का निधन हो रहा था तब वे अपनी पत्नी के साथ संभोगरत थे। बाद में उन्हें ये सोचकर बहुत आत्मग्लानि हुई। सैंगर के साथ बातचीत के अंत में वो कुछ नरम पड़ गए। उन्होंने कहा कि वे पुरुषों के स्वैच्छिक नसबंदी को लेकर कोई एतराज नहीं करते। उन्होंने जोर देकर ये कहा कि गर्भ निरोधक के बजाय दंपत्ति को महिला की पीरियड्स की सुरक्षित अवधि के दौरान सेक्स करना चाहिए। सैंगर आश्रम छोड़ने तक गांधी के विचारों से सहमत नहीं थी। बाद में उन्होंने स्वच्छंदता और विलासिता पर गांधी के डर के बारे में लिखा। वो अपने अभियान पर गांधी का समर्थन न पाने से बहुत निराश थी। ये पहली बार नहीं था जब गांधी ने कृत्रिम गर्भ निरोधक के खिलाफ खुलकर बात की हो। 1934 में एक महिला अधिकार कार्यकर्ता ने उनसे पूछा था कि क्या आत्मनियंत्रण के बाद सबसे उपयुक्त गर्भ निरोधक है। गांधी ने जवाब दिया कि आप क्या सोचती हैं कि गर्भ निरोधकों का सहारा लेकर शरीर की स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। महिलाओं को अपने पति का विरोध करना सीखना चाहिए। अगर गर्भ निरोधकों का पश्चिम की तरह ही प्रयोग किया जाए तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। पुरुष और महिलाएं केवल सेक्स के लिए ही जिएंगे, वो मानसिक रूप से सुन्न और विक्षिप्त हो जाएंगे, वास्तव में दिमागी और नैतिक रूप से वो बर्बाद हो जाएंगे। कई सालों बाद
जब भारत की आजादी की पूर्व संध्या पर बंगाल के नोआखाली जिले में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो गांधी ने एक विवादास्पद प्रयोग किया। उन्होंने अपने नातिन और सहयोगी मनु गांधी को अपने साथ बिस्तर में सोने को कहा। रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि वो अपनी यौन इच्छा पर जीत का परीक्षण कर रहे थे। महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे जीवन विभिन्न धर्मों के बीच समरसता का प्रचार किया, वो आजादी से पहले हुई इस हिंदू मुस्लिम हिंसा से काफी दुखी थे। गुहा लिखते हैं कि गांधी को लगता था कि जो हिंसा उनके चारों तरफ हो रही थी वो उनके अंदर की खामियों का परिणाम थी। गांधी ने जब अपने प्रयोग के बारे में अपने सहयोगियों को बताया तो उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने गांधी को चेताया कि ये प्रयोग उनकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगा और उन्हें इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। उनके एक सहयोगी ने कहा कि ये आश्चर्यचकित करने वाला और असमर्थनीय दोनों ही है। एक अन्य साथी ने विरोध में गांधी के साथ काम करना छोड़ दिया। गुहा लिखते हैं कि इस अजीब प्रयोग को समझने के लिए किसी को स्पष्ट रूप से ये समझना होगा कि पुरुष ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तब लगभग 40 वर्षों से महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। अब जीवन के अंत में अखंड राष्ट्र के रूप में भारत को देखने के अपने सपने को ध्वस्त होता हुआ देखकर महात्मा गांधी समाज की कमियों के लिए समाज के सबसे प्रभावशाली नेता की कमियों का कारण बता रहे थे, यानी वो अपनी खुद की कमियों को इसका कारण बता रहे थे। गांधी के करीबी सहयोगी और प्रशंसक ने बाद में अपने एक मित्र को लिखा कि गांधी की लेखनी से मैंने पाया कि उन्होंने आत्म अनुशासन का कठोर पालन किया था, कुछ वैसा ही जैसा कि मध्यकालीन ईसाई तपस्वी या जैन सन्यासी किया करते थे। स्पष्ट रूप से महिलाओं के प्रति गांधी का दृष्टिकोण जटिल और विरोधाभासी था। ऐसा लगता था कि वे महिलाओं द्वारा पुरुषों को आकर्षित करने को नापसंद करते थे। गुहा के अनुसार वे आधुनिक हेयर स्टाइल और कपड़ों से घृणा करते थे। गांधी ने मनु को लिखा था कि कितनी अफसोस की बात है कि आधुनिक लड़कियां अपने स्वास्थ्य और शक्ति की तुलना में फैशन को अधिक महत्व देती हैं। वो मुस्लिम महिलाओं द्वारा पर्दा करने की भी आलोचना करते थे। वे कहते थे कि ये महिलाओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, इसके कारण उन्हें पर्याप्त हवा और रोशनी नहीं मिलती और वे रोगग्रस्त रहती हैं। इसके साथ ही गांधी महिलाओं के अधिकार में विश्वास करते थे और ये मानते थे कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में महिलाएं उनके राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में शामिल हुईं। उन्होंने सरोजनी नायडू को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। बहुत सी महिलाओं ने गांधी द्वारा चलाए गए दांडी मार्च में भाग लिया। गुहा लिखते हैं, हालांकि गांधी ने आधुनिक नारीवाद की भाषा का उपयोग नहीं किया, लेकिन वे दृढ़ता से महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करते थे और ये मानते थे कि ऑफिस और फैक्ट्रीज में महिलाओं को काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन गांधी की सोच थी कि बच्चों का पालन पोषण और घर की देखभाल का बोझ महिलाओं को ही वहन करना चाहिए। गुहा लिखते हैं, हमारे समय के मानकों के अनुसार गांधी को रूढ़िवादी माना जा सकता है, परंतु गांधी के समय के मानकों के अनुसार वे निसंदेह प्रगतिशील थे। गुहा कहते हैं, 1940 और 50 के दशक में भारत में महिलाएं सार्वजनिक जीवन में प्रमुख रोल अदा करती थी जितना कि उस समय के अमेरिका में था। ये गांधी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में गिना जाना चाहिए, उनके विलक्षण सत्य के प्रयोग के बावजूद। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये नई कोशिश पसंद आई है। Kindly like, share and subscribe to our channel. Thank you.